असी कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मैटल कंपलैक्सिस और अंडर आप कहते दो फैक्टर्स ने विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मैटल कंपलैक्सिस दैट इज नेचर ऑफ द सेंट्रल मैटल आयन एंड नेचर ऑफ द लाइगेंस नेचर ऑफ मैटल नेचर ऑफ द सेंट्रल मैटल आयन के अंडर भी असं तीन फैक्टर्स के अंडर करना है स्टेबिलिटी एक्सप्लेन मैटल कंपलैक्सिस की और आप कर रहे हैं एक दो चीज़ा कर चुके हैं चार्ज ऑन द सेंट्रल मैटल आयन और कि स्टेबिलिटी ऑफ मैटल आयन जो है अफेक्ट करता है दैन साइज ऑफ मैटल आयन कि अफेक्ट करता हूँ आप करना थर्ड फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटल आयन दे अंडर ये आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ मैटल कंपलैक्स इज आल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन on the metal ion distribution on the metal ion according to Aherland scientist according to Aherland chat and Davis metal ions may be classified into two types metal ion nu apa do tarah de do kisman ch divide kar sakde into two types oh kehdiyan kehdiyan beta class a within inverted comma likhna class a metal दूसरा क्लास बी मेटल्स हम क्लास ए मेटल्स की ने अकॉर्डिंग टू Aherland चैट एंड डेविस क्लास ए मेटल्स केड़ियाँ होनगियाँ बेटा अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फेयरली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जड़ियाँ मोस्ट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल्स एंड दोज ट्रांजिशन मेटल्स which having very less number of electron in the d orbital beyond their inert gas core like scandium titanium vanadium theek hai they are coming under class a metals so what are class kedi metals class a de under aunni hai alkali metals theek hai ji these class a metals are fairly highly electropositive fairly highly electropositive means ki unna de valence shell ch ik ja do electron honge jinna nu easily ki kar sakde lose karke apna octet attain kar lenge aur electron lose karke oh electropositive ho jange electron lose karke positive charge attain kar lenge highly unna di ionization energy ghat hogi size bada hoega they are fairly high electropositive metals and includes alkali metals but alkali metals first group element jede hai alkali metals first group element phir alkaline earth metals second group inna de valence shell ch ns1 valence shell ch ik electron hunda alkaline earth metals second group elements in which last electron enter into the s orbital and s orbital will be fully filled second group elements
सो बेटा पहले मैं इन्होंने दसदा अल्कली मैटल्स डाउन का ग्रुप अगर गल करिए फस्ट ग्रुप जोड़ा आ उस केड़ा केड़ा होगा आप वैसे कहने लिथियम है ना लिथियम होंगे हाइड्रोजन हीलियम हीलियम तो बाद लिथियम है ना लिथियम तो बाद सोडियम सोडियम नेट्रियम कहने सोडियम पोटाशियम रोबेडियम आरबी सीजियम डाउन द ग्रुप रेडियम भी होंगे पर आप इतने नहीं गल करना इतने सीजियम फ्रेंसीयम होंगे सीजियम तो बाद फ्रेंसीयम लिथियम सोडियम पोटाशियम रबीडियम सीजियम फ्रेंसीयम फ्रेजियम इज रेडियो एक्टिव साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता आयनेशन एनर्जी घटती इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज मीन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की टेंडेंसी बढ़ती मटैलिक करैक्टर बढ़ता क्लीयर ए अल्कलाइन अर्थ मैटल की गल कर लिए इन्हों का वैल इन्हों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होंगी है हाफ फील्ड होंगे अल्कली मैटल सो ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मैटल सैकेंड ग्रुप है ना इन्हों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा की होनी है आउटर मोस्ट NS2 बरीलीयम हाँ जी मैगनीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ठीक है जी सो डाउन द ग्रुप इन्हों का भी अगेन साइज बढ़ता आयनेशन एनर्जी घटती ठीक है सो इन्हों की टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू बिकम पॉजिटिव बढ़ता मेटैलिक करैक्टर बढ़ता सो मेटैलिक करैक्टर मैक्सिमम वेरियम का होएगा इतने सीजियम का होएगा क्लीयर सो दे आर कम अंडर क्लास ए मैटल्स एंड मोस्ट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मैटल्स मोस्ट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मैटल्स ये अंदर आनी है एंड दोज ट्रांजिशन मैटल्स एंड दोज ट्रांजिशन मैटल्स हैविंग ओनली अ फ्यू डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन्स सच एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का देख लीजिए सच एज स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम एटेक्सट्रा इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे कि उन्होंने इनर कोर तो अलावा इनर कोर की है जो इनर्ट गैस कोर आ अंदरला शैल जोड़े इनर शैल फुली फिल्ड है आई मीन टू से इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ऑक्यूपाई करते हैं उन्होंने तो बियॉन्ड उन्होंने तो बाहर उन्होंने को लैस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सो इन अदर वर्ड्स दूजे शब्दों क्लास ए मैटल्स विद इन इनवर्टेड कॉमा ही लिखना क्लास ए मैटल्स अकॉर्डिंग टू हरलैंड एंड चैट एंड डेविस हैव रिलेटिवली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड इनर्ट गैस कोर हम क्लास बी मैटल का लिए अकॉर्डिंग टू अरलैंड चैट एंड डेविस क्लास बी मेटल्स आर लैस इलेक्ट्रोपॉजिटिव उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज चेंज होने की टेंडेंसी घट होएगी है लैस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटल होएगी बट लैस होएगी एंड इंक्लूड हैवी मैटल्स एंड इंक्लूड किड़े शामिल हो गए इंक्लूड हैवी मैटल्स सच एज रोहोडियम प्लेडियम सिल्वर अर्जेंटम भी कहने गोल्ड अरीडियम ओरम अरीडियम प्लैटिनम हाइडाजीरम मरकरी जिन्होंने कहने प्लम्बम लैड अटेक्सट्रा दीज इन्हों विच की होगा दीज हैविंग रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड इनर्ट गैस गैस कोर तो इन्हों को ज़्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होंगे दीज विल हैव दीज हैवी मेटल्स हैव
relatively large number of इतने कर रहे से few class H relatively few electrons ठीक है इतने having large number of d electrons beyond an inert gas core in general class A metals which class A metals which attract electrons weakly and form stable complex and will form stable complexes with those complexes with those ligands केड़े लाइगेंस ना का बेटा है फॉर्म बॉन्ड बनाओगे है ना क्लास ए मेटल्स विच इलेक्ट्रॉन वीकली एंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद दोज लाइगेंस विच हैविंग स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली विच हैविंग हाईली इलेक्ट्रो विच हैविंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बेटा दसोंगे किड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लिगेंड्स जिदा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन जिन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी ऑन द अदर हैंड इतने बेटा क्लास ए मेटल वीकली अट्रैक्ट करेगा क्यों क्योंकि वीकली क्यों क्या होता हम क्योंकि बेटा साइज बड़ा होना इन्हों का अलकली अलकरा अर्थ मेटल का आप गल की है ना ऑन द अदर हैंड क्लास बी मेटल्स form stable complexes kena na banaogi with stable complexes a class b metals kena na stable complexes banaoge with the ligands having less electronegative less electro negative atom like sulfur phosphorus chlorine ठीक है जी इन्हों जो ये बनाओगे बेटा बॉन्ड तो आर्सेनिक और भी एग्जाम्पल ला सकते हैं आर्सेनिक ब्रोमाइड ब्रोमीन आयोडीन सो विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स सो बेटा जेडे क्लास बी मेटल्स आ स्ट्रोंग कंपलैक्सिस और स्टेबल कंपलैक्सिस दोनों लाइगेंस रा बनाओगे विच हैविंग लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल लाइक कहता मैं फास्फोरस सल्फर ब्रोमीन आयोडीन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ फ्रॉम डी फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ
metal in their empty pi antibonding pi star, or you can say p pi orbital, है ना, p pi orbital, या फिर d pi orbital अपने which can accept electron from filled ए जड़े लीगेंस आ वो एक्सेप्ट कर सकते इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इन देयर एम्प्टी पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल्स इन लीगेंस सो बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग हो जानी है दैट इज़ बाय बैक बॉन्डिंग दैट इज़ बैक बॉन्डिंग एंड बैक बॉन्डिंग कैडी है जी ओहो डी पाई पी पाई या डी पाई बैक बॉन्डिंग क्लियर है बेटा बैक बॉन्डिंग इन जनरल अपा यह गल कर ली ठीक है जी हूँ नंबर ऑफ मैटल जोड़े आ लाइंग एट वाडर लाइन ए नंबर ऑफ की डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एक्ट कर सकते क्लास ए मैटल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एक्ट कर सकते क्लास बी मैटल्स सो ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ए नंबर ऑफ बॉर्डर लाइन बट आर बॉर्डर लाइन मैटल्स which depending upon the condition may fall under class A metals or class B metal borderline metals the number of borderline metals fall between these two classifications of metals that is class A metals and class B metals इन्हें in between line करोगे क्यों border line पे इन्हें which fall करोगे example की and include a borderline metals जड़ी हैं include एक की हो गया ना एक केड़ियाँ केड़ियाँ मेटल्स हो गया इंक्लूड मेटल एज मैगनीज वुल्फ्रम जिन टंगस्टन कहने थैलियम प्लम्बम तुम कहोगे एक पहला प्लम्बम आपदे लिया क्लास बी मेटल सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इट आलसो एक्ट एज अ बॉर्डरलाइन मेटल अटेक्सरा एंड दीज फॉर्म दीज borderline metals form complexes of varying stability किसी की stability ज़्यादा होएगी किसी की of varying stability किसी की ज़्यादा होएगी किसी की घट होएगी of varying stability